नमस्ते दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम रेशमा है। मैं बेसिकली पुणे महाराष्ट्र से हूँ। यहाँ पे जो है मेरा क्लिनिक भी है। दोस्तों, मैं आपको आज एक प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, शायद इसकी वजह से आपको कुछ हेल्प हो जाए। दोस्तों, मैं एक 1.5 साल पहले मुझे किसी ने इंट्रोडक्शन करवाया था रेनाटस नोवा का। दोस्तों, मैं रेनाटस नोवा इस कंपनी में पिछले 1.5 साल से वर्क कर रही हूँ। एक्चुअली दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट है ये अपने आप में एक मिराकल है। इतना बढ़िया प्रोडक्ट मैंने आज तक नहीं देखा। रेनाटस नोवा का जो प्रोडक्ट है दोस्तों, यूएसए में इसका 5 साल रिसर्च हुआ है, और 5 साल रिसर्च करने के बाद कंपनी को एक फॉर्मूला ऐसा मिला जो हमारे बॉडी के सेल लेवल पे काम करता है। हम लोग जानते हैं हमारी बॉडी जो है सेल्स से बनी हुई है। सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से सिस्टम, और सिस्टम से हमारी बॉडी बनती है। तो हमारी बॉडी को अगर हेल्दी रखना है तो काम कहाँ करना है, हमको सेल के ऊपर करना है। अगर हमारे सेल हेल्दी रहेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। प्रॉब्लम क्या है, हम लोग आज की डेट में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, बीमार पड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, एलोपैथी की दवाइयाँ यूज करते हैं, जो कहाँ काम करती है, ऑर्गन पे काम करती है, सेल पे काम नहीं करती। क्योंकि सेल की जरूरत होती है न्यूट्रिशन। अगर उसको न्यूट्रिशन अच्छी मात्रा में और जितना उसको चाहिए उतनी मात्रा में अगर हम उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, तो हमारे सेल हेल्दी रहेंगे, हम बीमार पड़ेंगे ही नहीं। तो सबसे पहले तो जो जितने भी लोग हेल्दी हैं, उन लोगों ने सभी ने क्या करना है, ये प्रोडक्ट स्टार्ट करना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी बॉडी, ऊपर वाले ने या भगवान ने या खुदा ने, अल्लाह ने हमारी बॉडी जो है इस तरीके से बनाई है दोस्तों कि वो 80% तक डैमेज होती है तो भी हमें कोई सिम्टम्स नहीं होते। अगर 70% बॉडी डैमेज है तो हमें पता नहीं होता है कि हमारी बॉडी अंदर से कितनी डैमेज है, क्योंकि वो क्या करती है, खुद खुद अपने आप को हील करती रहती है। हीलिंग प्रोसेस जो है उसमें चलती रहती है लगातार। हमें पता कब चलता है, जैसे मान लो कि किसी को शुगर हो गया, तो हमें पता कब चलता है कि इसको शुगर हो गया, जब वो चक्कर खा के गिर जाता है, हॉस्पिटल जाता है, शुगर टेस्ट होता है, तब पता चलता है कि शुगर हो गया, होने वाला नहीं है, हो गया। तो इसके लिए दोस्तों कैसे है ना, हमारी बॉडी अंदर से जितनी भी डैमेज है, अगर हम न्यूट्रिशन की मात्रा अच्छे से लेना शुरू कर देते हैं, तो हमारी बॉडी जो है हेल्दी होना शुरू हो जाती है। ये तो हुआ एक हेल्दी इंसान के लिए। इसमें जो है, ये जो प्रोडक्ट है, मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देती हूँ दोस्तों। ये जो प्रोडक्ट है, ये जैसे मैंने बताया कि यूएसए का रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है दोस्तों। ये एक ही प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें 9 इंग्रेडिएंट के मॉलिक्यूल एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं। मॉलिक्यूल एक्सट्रैक्ट करके ये एक ही कैप्सूल में डाल दिए। अब जैसे 9 इंग्रेडिएंट जो है वो अलग अलग है, जैसे मैंगोस्टीन है, माका रूट है, साइबेरियन जिनसिंग, एल्डर बेरी, रास्पबेरी, ब्लैक करंट, शावर चेरी, गैनोडर्मा और मोरिंगा, ये 9 इंग्रेडिएंट के मॉलिक्यूल। अब इसमें सबकी प्रॉपर्टी जो है अलग अलग है। अब मैं आपको पूरा तो नहीं बता सकूंगी, अगर पूरा बताऊंगी तो ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन एक मान के चलो कि जैसे देखो मैग्नेस जो मैंगोस्टीन है उसमें, उससे हमें क्या मिलता है, उसमें मैग्नेज, मैग्नेशियम, पोटेशियम, जेंथॉन, एंटीऑक्सीडेंट, इसकी मात्रा बहुत अच्छी होती है, जिसके कारण हमारी बॉडी से बॉडी में जो थकान होती है उसको दूर करने का काम हो जाता है। हमारी स्किन के जो डिजीज होते हैं उसके ऊपर भी इसका काम हो जाता है। हमारे हार्ट बीट और ब्रेन, उसको नॉर्मल फंक्शनिंग करने में भी ये हेल्प करता है। रिलैक्स फील कराने में भी ये हेल्प करता है। हमारी याददाश्त तेज करने के लिए भी ये काम करता है। उसके बाद माका रूट और साइबेरियन जिनसिंग, इसके अंदर मिनरल्स की मात्रा बहुत अच्छी है दोस्तों। हमारे जो बोन्स हैं वो 64 टाइप के ट्रेस मिनरल्स से बने हुए हैं, 64 टाइप के ट्रेस मिनरल्स। और मिनरल्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं हमारी हड्डियों के लिए। और रेनाटस में जो है 82 टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं। जो माका रूट है, साइबेरियन जिनसिंग है, उसमें 82 टाइप के मिनरल्स बहुत ही अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारे बोन्स हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं। हमारी जो याददाश्त जो वीक हो रही है उसके लिए भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। फर्टिलिटी के जो प्रॉब्लम है, आज की डेट में हम देखेंगे सेक्सुअल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, उसके ऊपर भी रेनाटस काम करता है। उसके बाद अगर हम एचआईवी का पेशेंट कोई ले ले, तो दोस्तों सिर्फ CD4 काउंट कम होने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, और CD4 काउंट बढ़ाने का काम रेनाटस में जो साइबेरियन जिनसिंग है वो बहुत ही अच्छी मात्रा में करता है। हमने 3 HIV के पेशेंट पे रिजल्ट लिया है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। उसके बाद में जो है एल्डर बेरी, रास्पबेरी, ब्लैक करंट, शावर चेरी, ये जो बेरी चेरीज है इसमें टोटल विटामिन आ जाते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन एफ। अब ये विटामिन
सारे के सारे हमारे लिए जरूरी है। जैसे विटामिन ए चाहिए हमारी आंखों के लिए, विटामिन सी चाहिए हमारी इम्यून पावर को बूस्ट करने के लिए, इसके अलावा विटामिन सी चाहिए हमारी एंटी एजिंग का काम भी विटामिन सी ही करता है, विटामिन ए जो है हमारे बालों के लिए चाहिए, विटामिन के जो है दोस्तों ये हमारी आंतों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है इसको प्रॉपर करने का काम विटामिन के करता है, कैल्शियम की मात्रा। उसके बाद में जो ब्लैक करंट है वो नेचुरल पेन किलर है, उससे जितने भी पेनफुल बीमारियां है जैसे अर्थराइटिस, वात, गठिया, मोनोपोइज, इसके ऊपर वो बहुत अच्छे से काम कर लेता है। गैनोडर्मा एक है इसमें जो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है और लंग्स से रिलेटेड जितनी बीमारियां है उसको खत्म करने का काम करता है। उसके बाद में मोरिंगो है दोस्तों, मोरिंगो एक ऐसा कंटेंट है जो हमारे ब्लड पे भी काम करता है, हमारे ब्लड वेसल्स पे भी काम करता है, हमारी बोन्स पे भी काम करता है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन्स की मात्रा अच्छी है, विटामिन सी की मात्रा अच्छी है, विटामिन ए की मात्रा अच्छी है, कैल्शियम की मात्रा अच्छी है, आयरन की मात्रा अच्छी है, फास्फर की मात्रा अच्छी है। दोस्तों मैं इसके लिए बोल रही हूँ कि एक ही प्रोडक्ट में ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट आ गए, सारे के सारे कंटेंट आ गए जो हमारी बॉडी की डेली बेसिस की नीड है, और इसी के कारण क्या होता है ना हम हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं। इसमें फाइबर की मात्रा भी बहुत अच्छी है, इसमें एंटी कैंसर गुण है, इसमें एक गैरलिक एसिड पाया जाता है जो केमो प्रतिरोधक प्रतिरोधक है, और जैसे इसमें फाइबर, डायट्री फाइबर अच्छा होने की वजह से क्या होता है हमारा पेट साफ रहता है, बवासीर के जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर ये बहुत अच्छे से वर्क कर लेता है, खून को साफ करने का काम करता है, ब्लड प्रेशर शुगर को कंट्रोल में रखने का काम करता है। इसके अलावा जो अगर आप मैंगोस्टीन जो मैंने पहला फ्रूट का नाम लिया था इसको अगर आप गूगल पे सर्च करो तो ये एंटी कैंसर फ्रूट के नाम से जाना जाता है। कैंसर अगर किसी को सेकंड स्टेज का कैंसर हो और उसको सिर्फ मैंगोस्टीन का जूस दिया जाए तो भी वो ठीक हो सकता है, ये मैं नहीं बता रही हूँ, आप चाहे तो गूगल पे सर्च करके देख लीजिए, वही आपको पूरा आंसर मिल जाएगा वहीं पे आपको। तो दोस्तों ये एक ही प्रोडक्ट ऐसा हो गया जिसमें हर चीज मतलब हमारी बॉडी की जो डेली बेसिस की नीड है वो पूरी हो जाती है, और यही एक कारण है कि हम धीरे 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 हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं। मैंने दोस्तों ये प्रोडक्ट के रिजल्ट लिए हैं, शुगर के पेशेंट को ठीक किया है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट को ठीक किया है, कैंसर के पेशेंट को भी बहुत अच्छे रिजल्ट है इसमें। सिर्फ दो केसेस मेरे पास ऐसे हैं जो कैंसर से रिलीफ हुए हैं, बाकी जो है उनको कैंसर के प्रोडक्ट सॉरी रेनाटस का प्रोडक्ट जो है उनको अभी भी चल रहा है। उसके बाद में दोस्तों शुगर के ऊपर भी बहुत अच्छे रिजल्ट है, पेट से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उसके ऊपर भी बहुत अच्छी रिजल्ट है, मतलब मैं बताऊँ आपको कि हर चीज में ये एक ही प्रोडक्ट रिजल्ट दे रहा है। इतना अच्छा प्रोडक्ट और इतना बढ़िया रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट मैंने आज तक कहीं पे भी नहीं देखा है। डॉक्टर की हम जो दवाइयां देते हैं एलोपैथी की दवाइयां, एलोपैथी में ऐसे होता है दोस्तों कि वो अगर एक बीमारी को ठीक करती है तो वो उसके साइड इफेक्ट और चार जगह होते हैं। हम लोगों ने कभी भी देखो अगर आप सर्वे कर सकते आप एक चीज कर सकते हो, आप एनालिसिस कर सकते हो थोड़ा सा कि जो जितनी ज्यादा जो एलोपैथी की दवाइयाँ खाता है ना उसको उतनी ज्यादा बीमारियां हैं। आप देख लो, आप याद करो, आपके घर में अगर कोई है, आपके अड़ोस पड़ोस में अगर कोई है, जितनी ज्यादा एलोपैथी की दवाइयां खाएंगा उतनी ज्यादा उसके बॉडी में बीमारियां होंगी, और जो इंसान हेल्दी होगा ना वो एलोपैथी खाएंगा ही नहीं, वो अगर थोड़ी बहुत उसको बीमारी हो भी जाए ना तो भी वो एलोपैथी की दवाइयाँ बहुत ना के बराबर यूज करने वाला होगा। ये बात आप इसको है ना थोड़ा सा आप ये कर सकते हो, थोड़ा सा देख सकते हो अपने आसपास में कि हाँ ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो दोस्तों मेरा ये कहना है कि हम सभी ने जो है रेनेटस का प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, इसकी जरूरत है आज की डेट में पहले की तरह खाना जो है उस पूरा ओरिजिनल नहीं मिलता है हमें, उसमें जो न्यूट्रिशन की मात्रा है वो हमें आज की डेट में बिल्कुल नहीं मिलती। WHO का एक सर्वे है दोस्तों कि आज से 5 साल बाद सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट भारत में होंगे, और ये इन्होंने किस बेसिस पे कहा है, इन्होंने एक सर्वे किया है हमारी लाइफस्टाइल और हमारा खाना। दोस्तों हमारा खाना जो है आज पूरा के पूरा केमिकल बेस है, हम लोग देखते हैं कि खेतों में कितना सारा केमिकल डाला जाता है, कितना सारा जहर डाला जाता है जो जमीन से सब्जियों में आता है और सब्जियों से हमारे शरीर के अंदर जाता है, और वही केमिकल हमारे बॉडी के पार्ट को डैमेज करना शुरू कर देता है, हमारे जो सेल है उसको डैमेज करना शुरू कर देता है, उसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। तो WHO का सर्वे गलत नहीं होगा दोस्तों, हर घर से एक या दो कैंसर के पेशेंट निकलना शुरू होंगे, और ये इसकी शुरुआत हो चुकी है। लोग याद करें तो एक
मेरे हिसाब से 4 से 5 साल पहले कैंसर हमें सुनाई नहीं देता था, लेकिन आज हम आसपास में देखे तो कम से कम हमें कैंसर के पेशेंट दिखना शुरू हो गए हैं। हर घर में एक आध पेशेंट हमें शुगर का, एक आध पेशेंट हमें पैरालिसिस का, एक आध पेशेंट हमें ब्लड प्रेशर का, थायराइड का, कैंसर का, ये आम बीमारियां हो चुकी हैं। किसी को बड़ी बात नहीं लगती है, किसी को अगर पता चल जाए ना कि उसको शुगर है तो क्या हो गया, शुगर है तो ये तो नॉर्मल है, बच्चों को भी होती है आजकल। मतलब वो हमारी लाइफस्टाइल बन चुकी है, लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है, हमें उससे हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ ये होगा, ये होने ही वाला है। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो कि ये सारी बीमारियां हमें ना हो और हम लाइफस्टाइल लाइफ में हेल्दी रहे, तो हमने क्या करना है, न्यूट्रिशन लेना है अपनी लाइफ में डेली बेसिस पे। जो न्यूट्रिशन की नीड है, जो जरूरत है हमारे शरीर की, वो हमें उसे देना जरूरी है।